आ गया, ये भिखारी मुंह छुपा रहा है जी। बोले कितना भीख मांगा है, ये देख लो हंस रहा है। बोलो कितना पहले कमा के आए हो, देख लो भाई ये उधर गांव में भीख मांग रहा है। ये पूरा भिखारी है, दुनिया इसको जानती है, अभी मुंह छुपा रहा है। देख लो ये, देख लो देख लो, और तू किस तरह, देख लो देख लो देख लो गाइस, इसको देख लो। क्योंकि वो ऐसी चीज है ना, अभी कारपेट तो हमने नहीं डाला, लेकिन चार खराब नहीं आज हम इंतजार करते हैं। एक घंटे में हो सकता है अभी डिलीवर भी हो गया। चलो ठीक है, मैं कॉल करके पता करता हूँ फिर उनसे, उनको कॉल आइए या नहीं आइए। क्योंकि ये हमने कारपेट तो नहीं डाला, लेकिन उधर तो मौसम चलो ठीक होगा, लेकिन इधर जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, अभी इधर से पता नहीं कब तक। भाईजान खैरियत ठीक ठाक सुना है, कोई फोन वगैरह आया नहीं है? अच्छा पहुंच गए, अच्छा ठीक है, किस टाइम पहुंच गए? तो मैं इम्तियाज लगा रही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आओ चलते हैं शहर। ये हमारी बाइक खड़ी है, साथ में ड्रम पेट्रोल का है, इसमें पेट्रोल लेते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, बदल भी है और गर्मी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। अभी दोपहर को देखते हैं गर्मी होती है या ऐसा ही मौसम रहता है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो गुड वेल्ड, अगर गर्मी हो गई तो फिर निभाते रहेंगे। चलते हैं आइए। जी दोस्तों, मैं आ रहा था रास्ते में, ये देखें यहाँ पे बनाना पड़ा हुआ है, ये इधर पिछली साइड पे बनाना का बाग है, वहाँ से बनाना जो ये पक्का हुआ है ये तैयार है, उनको तोड़ के यहाँ पे इनको इकट्ठे किया जा रहा है और यहाँ से ही गाड़ी आएगी, इसको यहाँ से उठा के गाड़ी में लोड करके और मार्केट में भेजा जाएगा। मार्केट में जाएगा ना। अच्छा ये देख लेंगे, ये कितना VIP बनाना है, देखें जिसको हम केला भी बोलते हैं, हम नहीं बोलते, सारे ही बोलते हैं, लेकिन इसको बनाना भी बोला जाता है। ये साथ में पीटर भी चल रहा है और ये ठंडा ठंडा पानी है VIP, आते जाते भी लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं। तो ये भी मुझे नज़र आ गया रास्ते में, मैंने बोला ये भी दोस्तों को दिखा दूँ, आओ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक हो खैरियत है? ये गाड़ी ड्रम उतार रहे हैं, पहुँच गया पंप पे और यहाँ से फिर वापसी में पेट्रोल लेंगे, अभी चलते हैं शहर। हाँ अभी बोलो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, सब कुछ आपने खुद किया हुआ है, मुझे तो नहीं लगता है। देखते हो वीडियो, देखते हो वीडियो, देखते हो? अच्छा ठीक है मेहरबानी, ओके ठीक है, वापसी में आते हैं गाइस इधर ही। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, क्या हाल है? आपने बिल ही नहीं भेजा यार उस दिन वाला, व्हाट्सएप भी महंगा है यार। खैर अच्छा सही सेठ साहब के पास, अभी सेठ साहब की वीडियो भी बना लिया, इसने व्हाट्सएप भी महंगा हो गया, इसने बिल नहीं भेजा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, क्या हाल चाल है? आप मशहूर ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों आप क्या गए, बड़ा बड़ा के वीडियो हम थक गए, मौलाना आदमी है। खैर त्यार, कौन सी वाला वो वीडियो मशहूर हुई होगी ना, जो कौन सी वो जो घूमने गए थे आप? हाँ हाँ वो सारी मशहूर हो गई है। ये मुंशी सेठ साहब से आ रहे डील करने चावल की, लेकिन ये बात बन नहीं रही, इसने ये क्वालिटी सारी दिखा दी है हमें, लेकिन रेट इसके सीक्रेट रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। ये चार पांच क्वालिटियाँ हैं, अभी देखते हैं सेठ साहब से बात बनती है नहीं बनती। क्या क्या है सेठ साहब, ये सारे चावल पड़े हुए हैं, अगर बात बन जाती है तो सेठ से चावल भी लेते हैं। अरे नहीं लेती, ये सारे देख लें, ये सारे जो उधर चावल पड़े हुए हैं, ये भी चावल पड़े हुए हैं, महरम भी आ रहे हैं आगे, ये महरम के लिए हम भी चावल ले रहे हैं अपनी दुकान के लिए। हम आ गए हैं लेपट और या ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है, खैरियत है? तबीयत सही है, तो मैंने कहा पता करें, आज चौदह पाँच वाले ने अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है सर, वो बंदा लेके गया रूम पे गया, मैंने भाई को दिखाया है सारा। अच्छा एक घंटे दो घंटे में डिलीवर हो जाएगा, आज पहुंच जाएगा, आज इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना, अभी कारपेट तो हमने नहीं डाला, लेकिन चार खराब नहीं आज हम इंतजार करते हैं। ठीक है एक घंटे में हो सकता है डिलीवर भी हो गया। चलो ठीक है, मैं कॉल करके पता करता हूँ फिर उनसे, उनको कॉल आइए या नहीं आइए। तो भाईजान खैरियत ठीक ठाक सुना है, कोई फोन वगैरह आया नहीं है? जी अच्छा पहुँच गए,
अच्छा ठीक है, किस टाइम पहुँच जाए? अच्छा 10-15 मिनट हो गए, चलो ठीक है। हाँ भाई के पास मैं ऑफिस आया हुआ था, तो भाई को मैंने कहा यार अभी तक पहुँचे नहीं है, वो खराब हो जाएंगे, तो मैंने कहा अभी कॉल खोल करते पहुँच गया, मैंने बोला अभी को कॉल करके पता करता हूँ। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके अल्लाह। ये गाइस भाई ने कहा अभी तकरीबन पहुंच गए, 1 घंटे तक मैंने अभी कॉल करके पता किया है, वो कहते हैं अभी 10-15 मिनट हो गए पहुंच गए, वो कहते हैं वीडियो भी आपके पास भेजी है व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने चेक नहीं किया, तो इस भाई की भी बहुत मेहरबानी भाई जान, ओके पहुंच गए अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके शुक्रिया यार, जल्दी करना भाई जान। ये भाई जान चाय आ गई है, ये नाम तेरा भूल गया भाई, नाम तो बता, राकेश कुमार भाई, ये चाय मंगाई है राकेश कुमार ने हमारे लिए, ये देख लो दूध पत्ती चाय, किसी ने पीनी है तो आओ पियो। हाँ सर साहब, हाँ मुझे पता है आपने मंगाई की, ये क्या क्या बनाया हुआ है? गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स लगाया हमको तो परेशान हो गए भाई। कौन सा टैक्स बताओ, किस पे टैक्स है यार? 2.5-3 रुपए हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, फाइलर पे 0.5 कर दिया, नॉन फाइलर पे 2.5% कर दिया है। तमाम लोग परेशान हो रहे हैं टैक्स की वजह से, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इंसान 500 रुपए तारीख कमाने वाला क्या कर खाएगा, क्या बेचेगा, क्या करेगा आकर, बस ये हुकूमत सुन ली दुकानदार की बातें, ये कह रहा है महंगाई हो गई, हर चीज पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, गरीब बंदा 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला वो क्या खाएगा, वो तो मेरे ख्याल में फिर सड़क पे ही रात गुजारेगा, क्या ख्याल है? अल्लाह मालिक है, लोग पीसते आए मरते आए, अब भी पीसेंगे और आगे भी मरेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे, एक गर्मी की वजह से एक भूख की वजह से। ठीक है क्या गया है? ये भिखारी मुंह छुपा रहा है जी, बोले कितना भीख मांगा है, ये देख लो हंस रहा है, बोलो कितने पैसे कमा के आए हो, देख लो भाई ये उधर गांव में भीख मांग रहा है, ये पूरा भिखारी है, दुनिया इसको जानती है, अभी मुंह छुपा रहा है, देख लो ये देख लो देख लो, और तू कितना है, देख लो देख लो देख लो गाइस, इसको देख लो, ये कहीं भी आपको मिले इसको 2 जूते मार के भेज दो, इसको भीख नहीं देनी है, ये अभी दुकानदार से भीख मांग रहे हैं, सर साहब दे दो 10 रुपए इसको यार, दे दो अभी, देख लो अभी खारे शुरू हो गई है इसको, मेरा ऐसा होगा नहीं होगा, होगा भाई, होगा ना, होगा 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 ऐसा, अभी कह रहे हैं ऐसा होगा, अभी तो यकीन आ गया, भीख मांगता है, मांगता है ना। ये गाइस हम आ गए भाई जान के पास, सब्जी वाले के पास, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक हो, खैरियत? लेते हैं हम लोग टमाटर, बाद आलू, उसके बाद प्याज, ये तीनों चीज़ें लेते हैं, और गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ये भिंडी देखें आप, भिंडी का क्या रेट है भाई? 200 रुपये किलो। हाँ 200 रुपये किलो भाई, देख लो गर्मी में घर ना जाऊँ, फिर अस्पताल भी पहुँचाना पड़ेगा, देख लो ठीक है, और हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, सब्जी भी महंगी हो गई है भाई, टमाटर 200 रुपये किलो, भिंडी 200 रुपये किलो, आलू 80 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो। ये हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल अपना भरवाते हैं ड्रम में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है शहर से होकर हम लोग आ गए जी, गए हम शहर से वापस आ गए अपने दुकान पे, अभी पानी पीते हैं ठंडा ठंडा, पानी दे यार, पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, अभी हमें दे इजाज़त इस लोग का, इधर ही करते हैं एंड, ओके जी अल्लाह हाफिज, नहीं पी लें पानी, पी लें फिर पानी पी लें फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज। आहा।